में बीते दिन उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब परिषद के लोगों द्वारा सब्जी और फल के ठेले लगाने वालों को नगर से बाहर हटाया गया। दरअसल राव में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर परिषद ने यह निर्णय लिया था। हालांकि विरोध होते देख पूर्व परिषद अध्यक्ष शिव डिंगू ने मामले को संभालते हुए राखी के त्यौहार तक सब्जी व फल के साथ अन्य सामान बेचने वालों को नगर में ठेला लगाने की अनुमति देने की बात कही। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। व्यापार करने का अधिकार सबको है, लेकिन मैंने पहली प्राथमिकता व्यापार करने के लिए अपने नगर के लोगों को दी है, जो राव में निवास करता है, जिनका मौलिक अधिकार बनता है कि वो यहाँ व्यापार करें, और उसके बाद अगर जगह बचती है हम उस पर सबसे बैठ के कमेटी बना के विचार करेंगे कि बाहर के लोगों को जगह देना है नहीं देना है। क्योंकि अभी ऐसा ये हो रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी हठधर्मिता के कारण उस जगह जा नहीं रहे, और वहाँ इंदौर के लोग आके व्यापार करके पैसे कमा के जा रहे हैं। आगे किस तरह से आप जो है इनको शांत करेंगे, जो ठेला संचालक का? अभी मैं ठेला संचालक वालों के बीच में ही था। मैंने अभी जहाँ ये दुकानें इनकी पहले लगती थी वहाँ पर एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और कोरोना महामारी में आयुर्वेदिक दवाई सबसे ज़्यादा कारगर है। तो लोग कोरोना महामारी के लोग हैं, और उस हॉस्पिटल में मैं आपको बता दूँ मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ 100 डिलीवरी महीने की होती है, और ये जहाँ ठेले लगाते हैं वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं घुस पाती। उस बीमारी और एम्बुलेंस ना घुस पाने के कारण हमने इन लोगों को यहाँ से वहाँ विस्थापित करा, ना कि हटाया, ना कि इनके रोजगार पर हमने इनके पेट पे लात मारी ये भूखे मरे, ऐसी कोई हमने व्यवस्था ना तो इनके साथ अत्याचार करा है, ना आगे भी हमारी कोई मंशा है। हम इनको इनका व्यापार कैसे अच्छा चले उसकी व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल सामने एक बगीचा है। इन सब लोगों ने मेरे से निवेदन करा कि हम त्यौहार तक यहाँ दुकान लगा लें, तो मैंने उसमें इनकी मांग भी मान ली, और जो सामने गार्डन है, जो बगीचा है, उसके अंदर इनको दुकान लगाने की मैंने आज इनको अनुमति दी। ये जो बोला, पहले ही बोला स्थानीय आदमी को पहले पात्रता, उसके बाद जगह बचेगी तो हम बाहर वाले को रोकेंगे ही नहीं, स्वतः उसको दुकान व्यापार करने का अधिकार सबको है। क्योंकि ये जो नगर है ये मेरा नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश का एक अंग है, और इसमें धारा 370 लगाने की तो कोई बात नहीं आती भैया, लेकिन पहली प्राथमिकता तो नगर के लोग जो व्यापारी उसको रहेगी, उसके बाद जगह बचेगी तो हम उनको भी देंगे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई। हाथ ठेले वालों को मैंने आज भी निवेदन करा कि आप एक जगह ना खड़े होके पूरे नगर में ठेला घुमा के सब्जी बेचो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस संबंध में जिला पंचायत जनपद पंचायत का कोई गाइडलाइन है क्या कि बाहर के लोग इस यहाँ पर आकर व्यापार नहीं कर सकते हैं? देखो ना, यहाँ तो जिला पंचायत लगती है, ना जनपद पंचायत लगती है, ना नगर निगम इंदौर लगती है, यह स्वतः में एक यहाँ नगर परिषद एक सरकार है जो मध्य प्रदेश शासन भोपाल से डायरेक्ट संचालित है। तो यह जिला पंचायत और जनपद पंचायत और नगर निगम की कोई गाइडलाइन यहाँ नहीं रहती है। पहले तो आपको बता दूँ जो कोरोना महामारी चल रही है ये नहीं देखती है कि कोई ठेले वाला है या फुटकर विक्रेता है। हमने पिछले एक महीने से इनको यहाँ से हटाकर इनका विस्थापन किया है वार्ड नंबर 4 श्रमिक कॉलोनी में, जो शमशान घाट से लग के कनुपुरा के गेट तक 60x1250 स्क्वायर फीट लंबा एक प्लेटफार्म है। उसके लिए मैंने तत्काल एक पायलट प्रोजेक्ट बनवाया अधिकारियों से बोल के, उसके अंदर पहले मुरम का 150-200 डब्बों में भरा होगा, तो पेवर ब्लॉक लगेंगे, लाइटिंग लगेंगे, एक हाकर जोन नया तैयार हो, उसके लिए मैंने इनके लिए एक योजना बनाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हाथ ठेला वाले हैं, फुटकर व्यापारी, ये सब मेरे नगर के ही मतदाता और मेरे लोग हैं। जीवन भर अगर ये ऐसे ही हाथ ठेला धकाते रहेंगे, सब्जी बेचते रहेंगे, तो इनका जीवन स्तर मेरे को सुधारना है। क्योंकि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना है कि हर गरीब का घर हो अपना, और खुद का स्वरोजगार योजना मतलब अपने खुद के ऊपर ही डिपेंड रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना, आत्मनिर्भर भारत का जो निर्माण इसी तरह से होता है। मैंने उसके लिए ये सारे प्रयास करे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके अंदर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं बाहर से आके कि हमको कोरोना बीमारी में भी नगर में ही पूरा व्यापार करना है, यहीं हम सब्जियां बेचेंगे, हम यहीं रहेंगे। मैंने उनसे निवेदन करा कि जैसे भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी की मेरे यहाँ पे दस्तक रोज आ रही है, रोज एक दो केस आ रहे हैं, मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ कि आज ये वहाँ जहाँ मैंने विस्थापन करा वहाँ जाके व्यापार करें, कहीं ना कहीं अगर बीमारी बढ़ गई और पूरा नगर 10-15 दिन के लिए बंद हो गया, तो आज ये जो कमा रहे हैं इससे भी हाथ धो बैठेंगे और ये घर बैठ जाएंगे, घर बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नगर में कोई भी आदमी भूखा सो। तो आप ये जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं इनको किस तरह से खदेड़ेंगे, क्योंकि क्या है ये तो आपके और जो ठेला संचालक इनमें विरोधाभास पैदा कर रहे हैं।